चैलेंज 24 में आपका स्वागत है। मैं रेखा सिंह और आज हम निकले थे दिल्ली की ओपिनियन जानने, जो कि कई एरिया में हम लोग गए, लोगों से बात की, लोगों की राय जानी कि क्या लगता है दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार कैसा काम कर रही है, जिसमें से कुछ लोग काफी भड़के हुए भी थे जो कि नाराज नजर आए। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार बहुत अच्छी है, ज्यादातर हमने मिडिल क्लास से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए केजरीवाल सरकार बहुत अच्छी है, उन्हें बिजली पानी और भी कई चीज़ों में काफ़ी सहूलियत मिल रही है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बचत हो रही है। बचत होने का मतलब खर्चे कम हो रहे हैं और वो लोग उस बचे हुए पैसे को बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। कुछ लोग आए भड़के हुए नज़र, जिन्होंने कहा अगर सब कुछ फ्री दे दिया जाएगा तो देश का जो है वो कैसे काम चलेगा, आगे विकास कैसे होगा। कुछ लोगों ने कहा कि जो फ्री फ्री बोल के लोगों को पागल बनाया जा रहा है, वो जो पैसा है वो हम लोगों की जेब से जा रहा है टैक्स के रूप में। कुछ लोगों की बातचीत जो हमने उनसे की आपको दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे, आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि दिल्ली में जो पब्लिक है उनकी सोच और उनकी समझ किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से वो सरकार से खुश भी हैं और किस तरह से ना खुश भी हैं। तो आप देखकर खुद अंदाजा लगाइए कि क्या जो खुश है उनकी ओपिनियन ठीक है और जो ना खुश है उनका कहना ठीक है। तो मैं ये बात आप पर छोड़ती हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर ये बात शेयर कीजिएगा कि आप कहाँ तक इन लोगों की बात से सहमत हैं। सरकार सही है, ठीक है, अपना काम कर रहे, सीवर भी पड़ रहे लगातार और पानी भी, बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री और DTC की जो बसें हैं जो लेडीज के लिए वो भी फ्री, और पब्लिक को क्या चाहिए। आपके यहाँ से जो विधायक आप जानते हैं? हाँ, हमारे यहाँ का जो विधायक है काम करवाता है, हर गली में गेट लगा हुआ है, हर गली में कैमरे लगे हुए हैं, बढ़िया, दिल्ली सरकार सही काम कर रही है। बढ़िया, केजरीवाल हमारा बंसल भाई है, बढ़िया, एक नंबर, बढ़िया, दिल्ली सुधार दी दिल्ली। तो आपके हिसाब से सरकार बनेगी? मेरे साथ सत लगा लो कोई दिल्ली का, अगर केजरीवाल की सरकार 100% बनेगी, कोई भी आ जाओ मेरे सामने इस बारे में, सीटें कहीं नहीं, मैं कह सकता कितनी आओ, 50 आओ, 40 आओ, 45 आओ, सरकार केजरीवाल की बनेगी दिल्ली के अंदर, फैक्ट है ये। आशीर्वाद मिला हुआ है भगवान कृष्ण का, इसने बाबा श्याम का। दिल्ली में भी जो सरकार है केजरीवाल सरकार, आपके हिसाब से कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है, अच्छा काम, बहुत ताकत है, जिसे कहते काम करना वो काम कर रही है, जो होना चाहिए सब है, बिजली पानी सब चीज़ फ्री हो रही है, और क्या चाहिए। तो सर क्या लगता है इससे किस किस मतलब किसे ज्यादा फायदा है, मिडिल क्लास या अपर क्लास या बिल्कुल लोग? सभी को फायदा है, सभी को फायदा है। लेकिन सर कुछ लोगों का कहना है कि अगर सब कुछ फ्री दे दिया जाएगा तो देश का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बेड़ा गर्क तो अब हो ही रहा है, जब ये तो काम धंधा नहीं है पब्लिक के पास, तो क्या कर रहे जी, वो गलत थोड़ी कर रही है, पहले प्रॉफिट था कुछ था, बिना बिजली पानी को फिर क्यों कर रखा है, इसलिए कर रखा है, वैसे प्रॉफिट होते भी हो रहा है, वैसे थोड़ी कर रहे थे। अच्छा सर, जैसे सरकार महंगाई कर देती है तो भी लोग बोलते हैं महंगाई कर दी है, सस्ता हो रहा है तो भी लोग कह रहे हैं कि सस्ता क्यों कर रहे हैं, लोगों की सोच गलत है जी, और कुछ नहीं। अच्छा सर, दिल्ली के लिए केजरीवाल सरकार ठीक है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। अच्छा, आपके यहाँ से विधायक जो है आप जानते हैं? जी, तो विधायक काम ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अभी तक विधायक जी ने यहाँ क्या क्या काम कराए हैं सर? विधायक जी ने काम रोडों का काम करवा रहे हैं, पानी सीवर लाइन डलवा दी है, कैमरे लगवाए हैं उन्होंने, जो छोटी मोटी कमियाँ थी वो सब करवाई है, ये थोड़ी कुछ अपने घर से थोड़ी कर रहा है, सब कुछ दिल्ली सरकार से खुश है। आपने देखा जैसा कि आज हम बुद्ध विहार में थे, हमने वहां बात की, कुछ लोगों ने कहा कि केजरीवाल सरकार से हमें बहुत फायदा हुआ, कुछ ने कहा हमारे विधायक श्री महेंद्र गोयल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एरिया में काम चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है, जगह जगह गेट लगवाए गए हैं, CCTV कैमरे लगवाए गए हैं, मगर कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये सब लगवाया है तो वो बेकार है। तो एक तरह से देखा जाए तो मतलब लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि काम हो रहा है वो खराब है या जो काम नहीं हो रहा है उसमें कमी है, मतलब लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अगर कैमरे लग गए हैं तो उनसे उन्हें क्या फायदे हैं, अगर गेट लग गए हैं जगह जगह उनसे उनको क्या सुविधाएं हो गई हैं, अगर सीवर जो पहले गंदगी से भरे रहते थे, घर की दहलीज तक गंदा पानी भर जाता था, और अब अगर विधायक जी ने वो सब सही करा दिया है तो भी लोगों को परेशानी है, मतलब कहा नहीं जा सकता कि आखिर लोग चाहते क्या है,
परेशान रहना चाहते हैं, क्योंकि सुविधाएं मिल रही हैं तब भी परेशान हैं और सुविधाएं नहीं मिल रही थी तब भी परेशान हैं। तो लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग कहना क्या चाहते हैं, आखिर लोग सरकार से चाहते क्या है। तो मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि सरकार जो काम कर रही है क्या वो ठीक नहीं है, आपके हिसाब से आप क्या कहेंगे। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या वो सही नहीं है? जो नहीं हो रहा था उससे बेहतर है कि थोड़ा हो रहा है या नहीं होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? और इन लोगों की राय पर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो वो भी मुझे जरूर बताइए। सीएम जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है। यदि अगर हम छोटे तबके के एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो सड़कें हैं वो आज भी टूटी हुई हैं, नालियाँ जो है वो आज भी बह रही हैं, गटर जो है वो आज भी खुले हुए हैं, कॉलोनियाँ जो है वो आज भी पास नहीं हुई है। दूसरी बात, दिल्ली प्रशासन जो है वो ये दिखावा करती है कि हम गरीब लोगों के लिए बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं के लिए मेट्रो फ्री दे रहे हैं, लेकिन असल बात ये है कि ये 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए, गरीब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये नई नई स्कीमें लगाई जा रही हैं, जो दिल्ली पास जो 5 साल के अंदर सरकार के अंदर नहीं हुआ, वो लास्ट में एक स्टंट अपनाया जा रहा है कि हम लोगों का टैक्स का पैसा लोगों के अंदर फ्री में बांट रहे हैं और उनको जो है बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी बात, केजरीवाल सरकार से मैं इसलिए भी नफरत करता हूँ क्योंकि केजरीवाल सरकार ने दंगों के अंदर जो मुसलमान थे, जिनके हाथ में बम फटा था, जिनके चोटें आई थी और जिनके ऊपर देशद्रोही के केस लगे हुए हैं, उनको 20-20 हज़ार, उनको 5 लाख रुपए मुआवजा प्लस सरकारी नौकरी और प्लस साथ में सिलाई मशीनें भी दी गई है। तो मतलब जो व्यक्ति देश के खिलाफ गलत बयानबाजी करेगा, जो देशद्रोही करेगा, जो देश के खिलाफ पुलिस वालों को मारेगा, प्रदर्शन करेगा, सरकार की संपत्ति का नुकसान करेगा, उसको अगर ऐसी सरकार 5 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और सिलाई मशीन देती है तो ये देश के साथ गद्दारी है, देश के लोगों की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा दुख है। इसलिए मैं केजरीवाल सरकार से ये विनती करना चाहूँगा कि कृपया गरीब लोगों को छोड़ के पूरी दिल्ली की तरफ ध्यान दें, सिर्फ कमरे का ध्यान ना देखें, पूरे मकान का ध्यान दें, गली चौराहे चौक सड़कें नालियाँ कॉलोनियाँ कच्ची कॉलोनियाँ गरीब आदमी पेंशन सरकारी नौकरी इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, ना कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करके मुसलमान वोटों को अपनी तरफ खींच के और गरीब तबके के एरियो को बिजली पानी फ्री करके, महिलाओं को मेट्रो फ्री करके, जो 5 साल में नहीं हुआ, सिर्फ आखिरी के 5 महीने में हो रहा है। पहले तो बोलता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कुछ करने नहीं देती और लास्ट में ये सारे प्रोपेगेंडा सारे स्टंट अपना रहा है, जिससे लोगों का ध्यान केजरीवाल सरकार पर जाए कि केजरीवाल सरकार ने लोगों के टैक्स का पैसा कैसे लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया और खास करके गरीबों के ऊपर। सर, आपके हिसाब से दिल्ली की सरकार कैसा काम करती है? मेरे हिसाब से 2 दशक का काम नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि साढ़े 4 साल इन्होंने वैसे ही निकाल दिए और बीजेपी पर आरोप लगाते लगाते। अब 6 महीने के अंदर जब लोकसभा का चुनाव ये हार गए, उसके बाद इन्होंने देखा अब आगे सपोर्ट नहीं मिलेगी। अब 6 महीने में इस पर 5 पैसे कहाँ से आ गए? जब मोदी नहीं करने दे रहा था काम, अब मोदी करने दे रहा है इसको। आए दिन JNU में कांग्रेस और ये सारे भागते फिरते हैं, दंगा फसाद हो रहे हैं, आरोप लगा रहे एक अच्छा नेता काम कर रहा है उसके विरोध में ये सारे वाम पत्ती खड़े हो जाते हैं। अच्छा नेता कौन है? अच्छा बीजेपी मोदी एक बहुत अच्छा नेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता है। हमारा देश कहाँ जा रहा है? आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा अच्छा सोच रहा है। ये केजरीवाल क्या, जो अपने जिसके साथ खड़ा हुआ था उसको लात मार के ये उसको पीछे छोड़ के आ गया। सर किसको? क्या नाम तुम्हारे, कौन थे? अन्ना हजारे जी को। अब क्या करें इनको? हमें तो मोदी जी अच्छे लगे, बीजेपी को ही वोट देंगे हम सबको।